भारतीय सेना को हिमालय की पहाड़ियों पर 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े पगमार्क मिले हैं। इन निशानों को देखने में ऐसा नहीं लगता कि ये किसी आम इंसान या जानवर के हैं, बल्कि देखने में किसी विशाल प्राणी जैसे लगते हैं। माना जा रहा है कि ये किसी मानव या यति के हो सकते हैं, जिनका जिक्र पौराणिक कथाओं में किया जाता रहा है। सेना के ओर से जारी इन तस्वीरों को सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया। आर्मी के मुताबिक यह रहस्यमय पदचिन्ह 9 अप्रैल को मकालू बेस कैंप के पास नजर आए थे। उसके बाद से सेना ने इन तस्वीरों को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक यति की कहानी हजारों साल पुरानी है। कई बार इसे देखे जाने की खबरें भी आती रही हैं। लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों ने दावा किया था कि हिम मानव यति को उन्होंने देखा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यति एक विशालकाय जीव है, जिसकी शक्ल सूरत तो बंदरों जैसी है, लेकिन इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। वहीं दूसरी ओर शोधकर्ता मानते हैं कि यति मनुष्य नहीं बल्कि धुएं भूरे भालू की नस्ल का है। इसे देखे जाने के रोमांचक किस्से अक्सर सुने जाते रहे हैं, हालांकि इसे लेकर वैज्ञानिक भी एकमत नहीं है। सबसे पहले 1921 में हिममानव को देखने का दावा किया गया था। हेनरी न्यूमन नाम के एक पत्रकार ने ब्रिटेन के खोजकर्ताओं के एक दल का इंटरव्यू लिया था। खोजकर्ताओं ने दावा किया था कि उनको पहाड़ पर पैरों के विशालकाय निशान दिखाई पड़े थे। उनके गाइड ने बताया था कि वे निशान मेदोई कांगमी के हैं। मेदोह का मतलब होता है आदमी जैसे दिखने वाला भालू और कांगमी का मतलब बर्फों पर पाया जाने वाला इंसान। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1925 में तोमबाजी नाम के एक फोटोग्राफर ने यति के हुलिये के बारे में बताया कि उसकी आकृति बिल्कुल इंसानों जैसी है। वे सीधा खड़ा होकर चल रहा था। बर्फ के बीच उसको डार्क कलर नजर आ रहा था। जहां तक मैं देख पाया उसने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था। यति के दावे तो कई लोगों ने किए, लेकिन सबूत कोई नहीं दे पाया। पहली बार सबूत दिखाने का दावा दुनिया के विख्यात पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने किया। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन 1951 में एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश पर निकले थे। इस दौरान उन्हें पैरों के विशालकाय निशान मिले। इसके बाद हिमालय पर काल्पनिक महामानव के होने की चर्चा फिर सुर्खियों में छा गई। इसके साथ ही हिममानव के लिए शेरपा शब्द यानी यति प्रचलन में आया। 1986 में मशहूर पर्वतारोही रिन होल्ड मैसनर यति से सामना होने का दावा किया था। 2007 में एक टीवी शो को होस्ट करने वाले जोस गेट्स ने भी कुछ इस तरह का दावा किया था। तब उन्होंने कहा था कि हिमालय में एक झरने के करीब बर्फ पर उनको पैरों के 3 रहस्यमय निशान मिले थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने गेट्स की बात को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वे भालू के पैरों के निशान थे, जिसे गेट्स ने गलत समझ लिया था। विशालकाय पैरों वाले जानवर के एक्सपर्ट जॉन बाइंडर नेगल ने एक दावे से लोगों को चौंका दिया था। दरअसल रूस की सरकार ने भी साल 2011 में यति में दिलचस्पी दिखाई थी। इसी चीज को लेकर रूस की सरकार ने पश्चिमी साइबेरिया में विशालकाय पैरों वाले जानवर के एक्सपर्ट की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में जॉन ने दावा किया था कि यति का न सिर्फ वजूद है, बल्कि वे अपने रहने के लिए घर भी बनाते हैं। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने उस दावे को खारिज कर दिया था। नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु घाटी को जीता था। इस जीत के बाद सिकंदर ने पहली बार हिममानव को देखने की इच्छा जताई थी। स्थानीय लोगों ने उनको बताया कि हिममानव काफी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जिस वजह से वे यति को पकड़ नहीं सकते। दो हजार 2013 के एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफर्ड के जेनेटिक्स विशेषज्ञ ब्रायन साइक्स ने यति से संबंधित नमूने मंगवाए। दुनिया भर से यति के कथित बाल, दांत और टिश्यू भेजे गए थे। ब्रायन के पास कुल 57 सैंपलों में से सिर्फ 36 पर शोध किया, जिनके डीएनए को उन्होंने अन्य जानवरों के डीएनए से मिलाया। ज्यादातर सैंपल किसी न किसी जानवर के डीएनए से मेल खाए। सिर्फ 2 ऐसे सैंपल थे जो अलग निकले। ये सैंपल आज से करीब 40,000 साल पहले पाए जाने वाले धुरे भालू के थे। साइंस का मानना था कि ये नमूने एक संकर्ष नस्ल के हैं, जो धुरे भालू और भूरे रंग के भालू के बीच संक्रमण से पैदा हुई है। भारत, भूटान, नेपाल और तिब्बत की संस्कृति में यति नाम का खास महत्व है। नेपाल में आपको लग्जरी होटल या एयरलाइन के नाम के साथ यति नाम जुड़ा हुआ मिल जाएगा। वैज्ञानिक शोध में क्या दावे किए गए इसका कोई मतलब नहीं है।
यति को लेकर इस क्षेत्र के बुजुर्ग और बच्चों में अब भी उत्सुकता पाई जाती है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube अकाउंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।